जैसे सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है और बिल प्रोसेसिंग के अंदर आपको यही पहला ऑप्शन बिल नंबर एलोकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। बिल नंबर एलोकेशन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का एक पॉपअप खुलता है जिसके अंदर आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बिल एलोकेशन का, एक होता है बिल मॉडिफिकेशन का। अगर आपको नया बिल एलोकेट करना हो, नया बिल बनाना हो तो आपको बिल एलोकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप पहले के बिल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी वजह से गलती हो गई हो तो मॉडिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नया बिल बनाने का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे बिल एलोकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ आपके सामने ये इस तरह का बॉक्स खुलता है। यहाँ आपको मैनुअल के अंदर बिल टाइप के अंदर आपको FVC सिलेक्ट करना है, बिल टाइप FVC रखना है और बिल सब टाइप के अंदर आपको थर्ड पार्टी करना है। ऑब्जेक्ट हेड के अंदर 05 यानी 05 भरना है और जिस महीने का आपको बिल बनाना हो वह महीना सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, यहाँ बिल की डेट आ जाएगी और बिल नंबर आप वही भरें जो अपने जो बिल नंबर चल रहा हो। और उसके बाद में यहाँ पे जो भी बिल नेम वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं अपने जो भी आपने बना रखे हैं वो आप लिखें। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि बिल में कहीं गलती हो गई हो तो आप यहाँ पे तुरंत यहाँ पे बिल मॉडिफिकेशन पर क्लिक करके और यहाँ से आप बिल को एडिट भी कर सकते हैं और या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिल अगर सही हो और आपने अगर सबमिट कर दिया हो तो उसके बाद आपको जो थर्ड पार्टी होती है वह ऐड करनी होती है। तो इसके लिए आपको यहाँ अदर बिल में आना है और अदर बिल पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में ये आपके सामने ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको FVC बिल के अंदर जाना है और FVC बिल के अंदर आपको यहाँ पे FVC मास्टर पे क्लिक करना है। FVC मास्टर पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उनकी डिटेल शो होती है इस साइड के अंदर और यहाँ पे आप जो थर्ड पार्टी है उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल टाइप तो आपको थर्ड पार्टी रखना है, यहाँ पार्टी का नेम, पेन नंबर, IFC कोड वगैरह, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें वही जो आप नॉर्मली जो आप थर्ड पार्टी ऐड करते हैं वही चीज़ें हैं। बैंक है, बैंक ब्रांच है, अकाउंट नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप भरें। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट बटन मिलता है, इस सबमिट बटन पे क्लिक करके ऐड करना है। तो इसके लिए आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। अगर आपको इनमें से अगर कोई आए जो थर्ड पार्टी है उसकी डिटेल आपको एडिट करनी है या फिर आपको एक्टिव करना है तो आप यहां से आपके सामने जो है इनमें यहाँ पे आप शो ऑल का बटन जो है यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक कर दिया आपके सामने ये सारी जो थर्ड पार्टी हैं वह आ जाती हैं। और यहाँ से आप इनको अगर इसी इनमें से आप किसी पार्टी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर उनको कुछ उनके जो अगर डेटा वगैरह उनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि नई थर्ड पार्टी होती है उसके लिए मैंने बताया कि आपको किस तरह से एड करना है। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पे अदर बिल में आना है और अदर बिल के बाद आपको यहाँ पे FVC बिल में आना है। और जैसे कि पिछली बार आपने यहाँ पे थर्ड पार्टी एड करने के लिए FVC मास्टर में गए थे, अब की बार आपको FVC प्रोसेस में जाना है तो आप यहाँ पे FVC प्रोसेस पे क्लिक करें। अब FVC प्रोसेस के अंदर आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स नज़र आता है। यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉई है, जो भी स्कॉलर है, उसका महीना सेलेक्ट करना है, वर्ष सेलेक्ट करना है, बिल नंबर आप को सिलेक्ट करना है जो भी आपने बिल नंबर वहाँ पे एलोकेट किया था। उसके बाद में जो बिल टाइप है जैसे थर्ड पार्टी है, उसके बाद में ये रिम्बर्समेंट टाइप जो है इसके अंदर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे जो ऑफिस का एम्प्लॉय है खुद के ऑफिस का वहाँ पे रिम्बर्समेंट होगा। अगर थर्ड पार्टी है जैसे तो उसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने रिम्बर्समेंट करना है। पार्टी नेम आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे पार्टी नेम आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर सिलेक्ट करते हैं वैसे ही यहाँ नीचे पार्टी की डिटेल है वो यहाँ पे शो होने लग जाती है। तो ये नीचे की तरफ जो सबमिट बटन है इस सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट करते ही जो पार्टी है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नीचे की तरफ शो होने लग जाती है। और आप इसको चाहें तो आप यहाँ पे अगर कोई डिडक्शन ऐड करना हो तो आप यहाँ ए डिडक्शन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप कोई भी डिडक्शन है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना हो इसे तो आप यहाँ पे डिलीट का बटन मिलता है, इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे वीडियो को फॉरवर्ड करना होता है। वीडियो को फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहीं बिल प्रोसेसिंग में आना है
और बिल प्रोसेसिंग से फॉरवर्ड टू रेडियो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रेडियो फॉरवर्ड में आने के बाद में आपको यहाँ पे जो महीना है, वर्ष है, बिल टाइप है और बिल नेम और बिल नंबर जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने ये डिटेल आ जाती है। इसको आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके इस बॉक्स को चेक बॉक्स कर लेना आपको, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको ये बिल जो है इसको ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना होता है, इसके लिए आप ऑथराइजेशन में जाएं और ऑथराइजेशन में बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी लिखा है, यहाँ बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रेजरी फॉरवर्ड के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे इन ऑप्शन को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, महीना है, वर्ष है, बिल टाइप है, बिल नेम है और बिल नंबर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बिल की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे जिस तरह से आपने रेडियो फॉरवर्ड किया था उसी तरीके से इसको यहाँ पे चेक कर लेना है, सही का निशान कर देना है यहाँ पे क्लिक करके, और आपको यहाँ पे फॉरवर्ड बटन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद अब आपको बिल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसके लिए आपको यहाँ रिपोर्ट्स में आना है और रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे अदर बिल रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे जाना है और अदर बिल रिपोर्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक तो एडवाइस इनर रिपोर्ट निकालनी है, एक आपको आउटर रिपोर्ट है ये आपको निकालनी है, एक आपको यहाँ पे मिलता है FVC ग्रांट इन एड शेड्यूल, ये आपको तीन यहाँ से आपको रिपोर्ट निकालनी है, इनर रिपोर्ट, आउटर रिपोर्ट और FVC ग्रांट इन एड शेड्यूल, ये तीन रिपोर्ट निकालनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे एडवाइस इनर के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप जब अपना बिल टाइप FVC सिलेक्ट करते हैं, वर्ष महीना और यहाँ पे जो ग्रुप नेम है और बिल नंबर वगैरह से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे शो रिपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है वह डाउनलोड हो जाती है। इसी तरीके से आपको वो जो दो रिपोर्ट और मैंने जो बताई थी, एक आउटर रिपोर्ट एक FVC रिपोर्ट, ये आपको डाउनलोड करनी है और आपको अपने डीडीओ या हस्ताक्षर करवा के आपको यहाँ पे इनकी जो कॉपी है ये आपको सेंड करनी है। बस इसी तरीके से जो अन्य बिलों के अंदर प्रक्रिया होती है आगे की प्रक्रिया आपको वही करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।